नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। चलिए नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ किसानों की 7 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेनतीजा रही। सरकार का कहना है कि MSP रहेगी, वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि संसद सत्र बुलाकर कानून रद्द कराए जाएं। एक बार फिर से वार्ता होगी। 7 घंटे की बैठक के बाद किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि सरकार ने MSP और मंडी सहित कई प्रस्ताव दिए हैं, हम इन पर विचार करेंगे। वहीं अखिल भारतीय किसान संघ की समिति के नेता प्रतिभा शिंदे ने कहा, हमारी तरफ से बातचीत पूरी हो गई है। हमारे नेताओं का कहना है कि अगर सरकार कोई समाधान नहीं देती है तो आगे बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अब बात अगर बॉर्डर की करें तो गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनातनी बनी हुई है। गाजीपुर टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें टीकरी झरौदा बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। वहीं बदुसराय बॉर्डर छोटी गाड़ियों जैसे कार और टू व्हीलर के लिए खोल दी गई है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में BJP को कामयाबी मिली है। UP के 6 शिक्षक और 5 स्नातक MLC सीट पर हुए चुनाव में BJP की सफलता देखने वाली रही। शिक्षक कोटे की सीट पर BJP ने SP और कांग्रेस को तो मात दी ही, साथ ही शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश ओम प्रकाश शर्मा गुट के भी सियासी वर्चस्व को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यूपी के 11 विधान परिषद सीटों पर 199 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। शिक्षक कोटे से 6 MLC सीटों पर और 4 पर BJP ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सपा और शर्मा गुट ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। BJP की सधी हुई रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते सपा का समीकरण और शिक्षक राजनीति के सूरमा ढेर हो गए। आगरा शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल और BJP प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश कुमार वरिष्ठ के बीच कांटे की टक्कर रही। यहां शर्मा गुट के जगवीर किशोर जैन चुनाव हार गए। इस सीट पर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की। पारा में धर्म परिवर्तन के बगैर हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से हो रही शादी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह शादी रुकवा दी। हालांकि युवक युवती और उसके परिवारजनों ने कहा है कि वह उनकी सहमति से ही विवाह कर रहे थे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। धर्म परिवर्तन अध्यादेश के प्रावधान समझाने के बाद परिजन इस पर तैयार हुए और पुलिस को लिखित आश्वासन दिया। हिंदू मुस्लिम के विवाह पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। जानकारों ने बताया कि शादी के लिए युवक या युवती में से किसी एक को धर्म बदलना होगा। इसके लिए DM कार्यालय में 2 महीने पहले आवेदन करना होगा। DM नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बाद युवक युवती विवाह कर सकते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक ही दिन में 2,713 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल के बाद देश में एक दिन में कोरोना के चलते इतने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मरने वालों की संख्या 2,73,316 हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसी दिन 1,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना से ग्रस्त 1,226 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, ऐसा पहली बार हुआ जिनकी संख्या 1,00,000 से ज्यादा हुई। US सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि वास्तविकता में दिसंबर, जनवरी और फरवरी देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में सबसे कठिन समय होने वाला है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई। यहां अब तक 1,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भारत में आए। वहां 95,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा रूस में 23,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।